हेलो एवरीवन, घर पे रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। मैं इंडियन ब्लॉगर रश्मि स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप मेरे हमेशा के व्यूवर्स हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। आप फुल वॉच नहीं करते हो, आज की वीडियो थोड़ी बड़ी है, बट मैंने लास्ट में एक रेसिपी भी दी है तो ज़रूर पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे जो है लंच टाइम है, तो मैं लंच में बना रही हूँ रोटी, चावल और सब्जी। सब्जी बना रही हूँ मैं ढेमस की, आप क्या बोलते पता नहीं। उसके लिए जो हमेशा जिस तरह बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ, बस मैं ये है ढेमस। और इसमें मैं चने की दाल डालने वाली हूँ, चने की दाल के साथ अच्छी लगती है। जैसे तुरई वगैरह चने की दाल के साथ कैसी लगती है वैसी। यहाँ पे मेरे प्याज जो है मैंने तेल में डाल दी थी, मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली है, और मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ करीब 1.5 टीस्पून जितना। अरे जो सब्जी बनाने का तरीका होता है एक ही होता है, जब मैं ग्रेवी वाली सब्जियाँ बनाती हूँ तो थोड़ा सा अलग बनाती हूँ, बट मेरे जिंजर गार्लिक पेस्ट में जो है ना हरा धनिया जीरा रहता है, और थोड़ी सी जो सूखी मेथी होती है ना दाने वाली वो भी होती है। कभी मैं मसाला बनाऊंगी ना तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, मुझे 8 दिन चल जाता है बना के रखती। तो यहाँ पे जिंजर गार्लिक जो है तेल में अच्छे से हो गया था, तब मैंने सूखे मसाले डाल दिए। सूखे मसाले में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, और इसमें मैंने साथ ही साथ टमाटर डाल दी, और थोड़ा सा जो है मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि अच्छा टेक्सचर आ जाता है, इससे अच्छे से भुन जाते हैं मसाले। पहले तो तेल में भुन गए, उसके बाद थोड़ा मैंने पानी डाला है। जो सूखे मसाले थे ना थोड़ा तेल में भुने, उसी के बाद जो उसमें थोड़ा पानी डाले और थोड़ा सा और पका ले तो अच्छा होता है। यहाँ मैं साइड में रोटियाँ भी बना लूँगी। चावल ऑलमोस्ट पक चुका है, टीम में इसको स्लो में रख दिया है। अभी मसाला पक चुका है अच्छे से, तो इसमें चने की दाल और जो डेमस से काट के रखे वो भी डाल दूँगी। अच्छी लगती है ऐसी सब्जी। सेंगे डेमल मसाले वाले डेमस भी बनाते हैं, मेरे यहाँ पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं जो सब्जी है ना इसी तरह से बनाती हूँ। मैं इसमें डाल दूँगी नमक, नमक मैंने डाला नहीं था, मैं लास्ट में डालती हूँ, कभी कभी पहले भी डाल देती मसाले में, बट ज़्यादातर मुझे आदत है कि मैं लास्ट में डालती हूँ। जब तक मेरी सब्जी मैं ढक के पका लूँगी, जब तक मेरी रोटियाँ भी बन जाएंगी, इस तरह खाना बनाने से सारा खाना बन जाता है। अरे दाल की बात तो दाल मैं बहुत ही कम मतलब बनाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो भी सब्जी पसंद करती है, जहाँ सूखी सब्जी है तभी मैं दाल वगैरह बना लेती, तो मेरी बेटी जो है सब्जी खा लेती है, उसका खाने का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ जो है मेरी रोटियाँ भी बन जा रही है, मैं बाकी का भी शेयर किया था जैसे कि बर्तन वगैरह ये वो साफ सफाई, बट वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इस वजह से जो मैंने कट कर दिया। यहाँ जो मेरे चावल भी पक चुके हैं और मेरी रोटियाँ भी बन चुकी है। सब्जी चेक कर लूंगी, सब्जी को और 7 से 8 मिनट लगेंगे, तो एकदम स्लो में ही पकाऊंगी मैं। मैं दोपहर के बाद जो है सीधा शाम को जो मैंने शूट किया था, शाम की पूजा हो रही है, और यहाँ मैंने दिए निकाल दिए शाम को जलाने के लिए, ढूंढना पड़ा, दिवाली से रखे हुए थे ना इधर उधर, इसको ढूंढ के रखा है मैंने। और हंसिका कर रही है शाम को, मेरी हो गई थी, बोले कि मुझे करना है मम्मी, तो वो कर रही है अभी।
यहाँ जो है डिनर की तैयारी हो रही है। मैं पनीर मटर पुलाव बनाने वाली हूँ। मैंने जो पनीर जो है फ्रोजन पनीर है जो पूरा बर्फ बन चुका है उसको जो है थोड़ी देर में गर्म पानी में छोड़ दूँगी। उसके लिए मैं जो है पानी गर्म कर रही हूँ। मैं यहाँ जो है मसूर की दाल बनाने वाली हूँ तो मैंने कुकर भी यहाँ रख दिया है। मैंने यहाँ प्याज टमाटर मिर्च ले लिए और मसूर की दाल जो है वो भी धो के भिगो के रख दिए और थोड़ी सी मूंगफली। बहुत ही टेस्टी लगती है मसूर की दाल। मैंने पहले शेयर कर चुकी हूँ शायद। मैं पालक दाल बनाने वाली थी पर मुझे पालक नहीं मिली सर, इसलिए मैंने जो है मसूर की दाल ही बना ली। कभी भी हम लोग कभी भी बना लेते हैं, मतलब कोई भी समय। अरे अभी पानी गर्म हो चुका था तो मैंने गैस बंद करके जो है उसमें पनीर डाल दिया है। यहाँ पे मैं प्याज टमाटर भी कट गए मेरे और यहाँ कुकर में मैंने तेल डाल दिया है गर्म करने, 2 स्पून जितना, मतलब जो स्पून है तेल का उससे। यहाँ तेल जो है गर्म हो चुका था तो मैंने उसमें एक तेज पत्ता डाल दिया। इसमें डालूँगी राई, राई तड़क जाएंगे तो मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। तेज पत्ता, राई, जीरा ऑप्शनल है, हो तो डाले नहीं तो नहीं डाले। राई जीरा तो सबके पास होता है। अब मेरा हेडफोन जो है ना ख़राब हो चुका है और हेडफोन मिल भी नहीं रहा जब तक मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो मैंने जो है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली थी और फली डाल दी मूँगफली और साथ ही साथ प्याज डाल रही हूँ। मूँगफली, कस्तूरी मेथी ये भी ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिए नहीं तो नहीं। और मेथी जो है कस्तूरी मेथी मैं हमेशा डालती हूँ हर सब्ज़ी में। और ये जो मिर्च है ये भी ऑप्शनल है, मैं इसको खड़ी डाल रही हूँ थोड़ा सा टुकड़ा करके ताकि उड़े ना, हम थोड़ा तेज पसंद करते हैं इसलिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट और अच्छे से भुन जाएंगे तो सारे सूखे मसाले डाल दूँगी। सूखे मसाले में डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जो अभी मसालेदानी में नहीं है तो मैं इसे निकाल लूँगी अभी। और तेल काफ़ी जो गर्म है तो इसमें जलने लगा, मतलब जलेगा, इसलिए मैंने तुरंत ही जो टमाटर डाल दिया था और थोड़ा सा पानी, इसे अच्छे से भून लूँगी। भून ही गया है, बस थोड़ा सा और भुनने की ज़रूरत है। यहाँ मैंने जो है धनिया पाउडर निकाल लिया है। धनिया पाउडर के भी पीछे से भी डाले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसमें जो है मैंने मसूर दाल डाल दी है अभी इसमें। इसमें जो है मैंने पानी करीब 1.5 गिलास जितना डाला था और 2 सीटी आने के बाद मैंने स्लो करके छोड़ दिया था तो 5 मिनट की जगह जो है ना 10 मिनट हो गए थे। मैं दूसरे काम में लग गई तो ध्यान नहीं रहा था, इसमें जो पानी कम हो गया था लास्ट में। इसमें मैंने स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया और कुकर का जो ढक्कन है वो बंद कर दूँगी। यहाँ पे हंसी का जो है हैंड वॉश कर रही है, उसको बोला है मैंने बेटा आप जब भी खेलते हो तो उसके बाद जो है पहले हैंड वॉश जो है कर लिया करो, इसके बाद ही जो है कुछ भी खाने के लिए और बार बार जो है मुँह में हाथ नहीं लगाते। और बहुत अच्छे से हैंड वॉश करती हो, स्कूल में छुट्टियाँ लगने से पहले ही सिखाया गया था। ये देखिए जैसे मैंने बोला था कि दाल में पानी जो है कम होगा तो कम नहीं हुआ था, ज़्यादा देर रह गया था। तो इसमें जो मैं पानी डाल के जो है इसे गरम कर लूँगी। इसी कुकर में जो पुलाव बनाने वाली हूँ तो मैंने इसे गंजी में निकाल दिया। अब पनीर सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे जो मैं पुलाव के लिए गरम पानी रख रही हूँ और यहाँ पे बहुत घाई हो रही है मुझे क्योंकि टाइम देखिए 9:15 बज गया तो मुझे 10 मिनट में जो है पुलाव रेडी, मतलब बन जाना चाहिए, जो सीटी कुकर बंद हो जाना चाहिए। मुझे दिया लगाने की जो तैयारी करनी है, कोई अलग बर्तन नहीं ले रही हूँ,
मैं पनीर जो है कुकर में तल ले रही हूँ, और एक फ्रोज़न मटर जो है मैंने रख दिए थे पानी में, और चावल भी धो के छोड़ दिए थे मैंने, उसको भी होगा 15-20 मिनट। चावल जो है पुलाव वगैरह बनाते समय थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए, अच्छे खिले बनते हैं। और मैं इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं करने वाली, इसलिए चार मैंने हरी मिर्च लिए, थोड़ा सा जीरा डाल के उसका पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पे पूरे जो पनीर है मैं तल के निकाल ले रही, और मैं काफ़ी जल्दी जल्दी कर रही थी, फास्ट नहीं वीडियो, मैंने सच में जल्दी में किया था। यहाँ पे जो मैं काली मिर्च, लौंग और तेज़पत्ता और कलमी और एक इलायची डाली थी, बड़ी छोटी इलायची डालना भूल गई थी, जीरा डालना भूल गई थी, क्योंकि मुझे बहुत गड़बड़ हो रही थी, वो अलग अलग डब्बों में रखा हुआ था, हमेशा एक ही जगह रहता, इस बार मैंने अलग करके रखा था। वो भुन जाने के बाद मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मिर्ची डाली थी, उसमें प्याज और जो खड़ी मिर्च है वो भी डाल दी मैंने, 4-5 खड़ी मिर्च है, और इसमें 1.5 टीस्पून जितना, 1 ही टीस्पून डाला मैंने। देखिए समझ में नहीं आता कि मैंने गड़बड़ में क्या डाला था, बस अच्छे से जो है मैं भून लूँगी मसाला। और जो सूखे मसाले में से धनिया पाउडर और गरम मसाला डालने वाली हूँ, ना ही हल्दी पड़ेंगी ना ही मिर्च पड़ेंगी। यहाँ पर मैं आधा कटोरी जितना दही डाल रही हूँ, और चावल जो है करीब 1.5 ग्लास जितना है, छोटे ग्लास से दही अच्छे से भुन जाएंगे इसमें। मैं ये मिर्च जो है पहले ही डाल देती हूँ, बटर में पीसने की थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे ऐसे भी डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। इसमें मैंने जो मटर डाला है, ये वीडियो बिल्कुल भी फास्ट नहीं की है, मैं फास्ट फास्ट काम कर रही हूँ। इसमें मैंने पनीर भी डाल दिया है, इसे अच्छे से मिला लूँगी, और पानी भी गर्म हो चुका है साइड में, तो इसमें जो है मैं चावल डाल दिए, इसमें मैं गर्म पानी डालूँगी, 1.5 ग्लास है तो मैंने इसमें करीब 2 ग्लास पानी डाला है, क्योंकि जल्दी पक जाएंगे, क्योंकि उसको सोप किया था मैंने चावल को, और साथ के हिसाब से जो मैं नमक डाला है, वैसे बोला जाए तो मैं अंदाजे से ही डालती हूँ हमेशा पानी नमक वगैरह, आपके चावल जैसे उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और मैं कुकर बंद कर दूँगी, 1 सीटी आने के बाद जो मैं 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी, जब तक मैं दही वगैरह की तैयारी। और ये मिर्च मैंने धो के ऐसे फैला दी है, मैं इसके दही मिर्च बनाने वाली हूँ, तो इसका वीडियो अलग से शेयर करूँगी। और यहाँ पे 5 ही मिनट बचे तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो मैं यहाँ घी के दही जो है गाय के घी से जला रही हूँ। गाय के घी से दिए जलाने से बोलते कि वातावरण शुद्ध होता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा कपूर भी डाल रही हूँ, टाइम हो चला है इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लाइट बंद कर दी है, सारे लाइटें बंद करके जो हम टेरेस में जाएंगे, यहाँ हंसिका और हंसिका का पापा भी है, उन लोग भी ऊपर आ रहे टॉर्च जला के। यहाँ पे मैंने दिए जला लिए है, काफ़ी खूबसूरत सा माहौल लग रहा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, जैसे दिवाली हो। ये जो हमारा एरिया है ना, यहाँ पे ज़्यादा मतलब लोग रहने नहीं आए हैं, नया नया कॉलोनी बना है, जैसे बना तो बहुत दिन से बन रहा है, लेकिन मतलब पीछे साइड में जो है गार्डन साइड में, वहाँ काफ़ी मतलब लोग रहने आ चुके हैं, पर इस साइड में अभी ये बिल्डिंग, यही सामने बिल्डिंग में 2-4 लोग रहते हैं, और इधर रो हाउस में वगैरह बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे। फिर भी दूर तक जो रोशनी दिखाई दे रही है फ्लैश लाइट की वगैरह, वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सुंदर सा माहौल बना था, बहुत ही खूबसूरत सा। आपके आपका कैसा गया था आज का दिन, जो आप भी शेयर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। ले जाओ और सबको ठीक कर दो भगवान। आओ साथ मिलकर कोरोना वायरस को इंडिया का सर्वेज रोके। आओ साथ मिलकर कोरोना वायरस को इंडिया में फैलने से रोके। आओ साथ। यहाँ जो मेरा पुलाव जो बहुत ही बढ़िया बना था, एकदम खिला खिला, और मैंने कढ़ी भी बनाई थी जो मैं शेयर नहीं की, इसके पहले कर चुकी है। मेरी दाल, सारा खाना मेरा जो है रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना था, आप भी ट्राई कीजिएगा। ये है हंसिका की प्लेट, तो आइए आप भी खाना खा लीजिए।
और वीडियो में इससे आगे नहीं बढ़ाने वाली हूँ, काफ़ी लंबी हो चली है। तो बस मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपने परिवार का, और घर में रहिएगा, और अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों का जो है खास ख्याल रखिएगा। यहाँ पे हंसी का भी जो है न्यूज़ एंजॉय कर रही है। चलिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय।